श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम प्रकाश उत्सव अजमेर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश उत्सव 1604 वर्ष से मनाया जा रहा है। प्रकाश उत्सव के मौके पर हाथी पाठक गुरुद्वारे में अखंड पाठ व कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का पहला प्रकाश पर्व जो की 1604 ईस्वी में हुआ था, उसकी स्थापना गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पहले प्रकाश करके हरमंदर साहब के अंदर विराजमान करके प्रकाशमान किया था। उस गुरुपुरब को अजमेर में श्री सिंह सभा हाथी बाटा गुरुद्वारा कमेटी हर साल ही बनाया करती है, जिसमें परसों श्री अखंड पाठ साहब यहाँ पर रखे गए सर, जिसकी समाप्ति आज हुई है। उपरांत निशान साहब की सेवा चल रही है, उपरांत कीर्तन दीवान सजाए गए हैं। वह सारी संगत ने जो गुरु महाराज का कीर्तन जस हर जस गायन करके अपना जीवन सफल किया है, वह कल से कीर्तन दीवान इसी दरबार साहब में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक, कल शाम का दीवान भी 7 से 10 बजे तक रात को यहाँ सजाया जाएगा। परसों का मेन दीवान जो 31 तारीख को गुरु महाराज का प्रकाश पर्व है, सुबह 9 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक यहाँ कीर्तन दीवान सजाया जाएगा। तीनों कीर्तन दीवानों के बाद संगतों के लिए लंगर की सेवा रखी गई है। 1 तारीख का मेन दीवान एक अलवर गेट गुरुद्वारे में रखा गया, जो कि सुबह 9 बजे 10:30 बजे कीर्तन दीवान अलवर गेट गुरुद्वारे में सजाया जाएगा। एवं अजमेर की समूह सत्संग से निवेदन है, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर गुरु घर में पहुंचकर गुरु से खुशियां प्राप्त करके अपना जीवन सफल कर